और अब आने वाले समय में चुनावों में जनता इनको पूरी तरह से नकारेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि राम मंदिर केवल आस्था नहीं, अब तो देश की आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक है। इस अवसर पर रामराज पर तुलसीदास जी की चौपाई का अंश साझा करना चाहता हूं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि राम राज में किसी को शारीरिक आध्यात्मिक भौतिक परेशानी नहीं होती थी, सभी सुखी और प्रसन्न रहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने कुछ विषय महिला उत्पीड़न के बारे में कहे। माननीय अध्यक्ष जी, ये राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, यह मां कालीबाई की शक्ति की भूमि है, यह त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, यह पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने सिर कटवाने वाली मां अमृता देवी की धरती है। जिस प्रदेश को महिला सम्मान की खातिर प्राण देने के लिए जाना जाता था, उस प्रदेश को महिला अपराध के चिंताजनक आंकड़ों की वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। शर्मसार ही नहीं, आप उठा लीजिए, देश के अंदर महिला अत्याचार के नंबर पर राजस्थान पहले नंबर पर था। जहां एक और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण माता बहनों का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारा प्रदेश महिला उत्पीड़न और अत्याचारों के शिखर को छू रहा था। यही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार के समय राजस्थान महिला दुष्कर्म में लगातार देश में पहले पायदान पर बना रहा। सुबह से शाम होती थी दर्जनों अबलाओं की इज्जत तार तार होती थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार बात आती है अभिभाषण में, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने आप को देखिए, यह सदन बड़ा पवित्र है, यह मंदिर है, हम नहीं, इसे राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमारा विश्वास करती है। उन 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करते हैं राजनीति में। कई बार सच का सामना भी करना पड़ता है। जब हम राजनीति करते हैं तो आत्मविश्वास और हमको हमारे धड़े में तोलना होगा कि हमें राजनीति कैसे करनी है। राजनीति मूल्यों के आधार पर होती है, राजनीति के लिए तलवार की धार पर चलना होता है। राजनीति ऐसे नहीं होती कि मैं अगर कुछ कह दूं और उसकी पालना नहीं करूं, यह राजनीति का सबसे बड़ा दोष है। माननीय अध्यक्ष जी, दुख की बात यह है कि जब इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो सरकार के मुखिया ने यह कहकर हमें और सर्वसार किया कि महिला उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे होते हैं, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद करने का काम किया। यही नहीं, पिछले साल चाहे जम्मा रामगढ़ की का महिला का अधिशाला सब मिले मिलने की घटना हो या धरियाबाद में विवाहित
को निर्वस्त्र करने का मामला हो या भीलवाड़ा के कोटरी में बच्ची से गैंगरेप के बाद भट्टी में जलाने का दिल दहलाने वाला कृत्य हो। इसी प्रकार करौली में दलित युवती के साथ गैंगरेप हो, एसिड अटैक और उसके बाद कुएं में भी डाल दिया हो, इस कानून व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तब तब महिला उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़े हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं वो अनुसूचित जाति की महिला भमरी देवी का, वो भी कांग्रेस के समय में यह काम हुए थे। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। महिला दुष्कर्म में आवाज उठाने वाले अपने ही मंत्री को बर्खास्त तक कर दिया गया। अरे उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया? इस सदन में बात उठाने का कोई भी अपनी बात उठा सकता है। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि सुबह दोपहर में उसने बात उठाई और शाम को बर्खास्त कर दिया? ये कौन सा है? ये सदन की परंपरा है क्या? यही नहीं, गत कांग्रेस सरकार के मंत्री कहते थे और वो भी सीनियर मंत्री, वो भी ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री थे थोड़ा सा इतना ही कम। हम तो कहते थे कि आप और ज्यादा बन जाइए, लेकिन उनकी भाषा देखिए, ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये शर्म आनी चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा राजस्थान के बारे में, और मुखिया जिसने थोड़ा सा कुछ सही बात कही तो उसको हटा दिया, मुखिया को ये बातें सुनाई नहीं दी, ये शर्म की बात है। हमारी प्राथमिकता मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था, मैं कहना चाहता हूं कानून का राज कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं भरतपुर में काम करता हूं, संभाग के कई विषय मेरे ध्यान में होते हैं। आज भी मुझे करौली की वो घटना याद है जब रामनवमी के जुलूस पर हमला कर दिया गया था। शासन प्रशासन ने अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए पीड़ितों के खिलाफ उल्टा पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल का क्या हल किया? पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगने का काम। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद जिस तरह से उसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीति ही दोषी है। और कितने मामले में आपको गिनाऊं, तुष्टिकरण के आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है, हमारा संविधान बौना हो जाता है। कहने वाले कहते हैं लेकिन संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम भी करना होता है। मैं बताना चाहता हूं झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, राज्यभर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप करते जो नहीं करते लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख पुकार पुकार करके वो लोग गए, कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है?
ऐसा वोट का क्या डर है जो उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ? एक तरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टिकरण से नहीं चलेगा। मैं सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, इस शांत प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य हमने प्रारंभ किया है। आपको जानकारी भी होगी, राजस्थान की कानून व्यवस्था का जिक्र होता है तो कानून व्यवस्था की लचर हालत और पुलिस के टूटे हुए मनोबल के कारण यहाँ गैंगस्टर पनपे हैं।